नमस्ते नमस्ते, वेलकम वेलकम टू द सिक्स एपिसोड ऑफ जैनिज्म लेक्चर बाय देवदत्त पटनायक. आज शुक्रवार है, सो एज यूजुअल आई स्टार्ट टू मिनट्स अर्ली टू प्रिपेयर एंड डू सेंड मी अ थम्स अप साइन टू इंडिकेट दैट यू कैन हियर मी क्लियरली सो दैट वी आर ऑल सेट टेक्नोलॉजिकली सॉल्वड. Namaste everyone. I can see familiar names, familiar faces. Namaste, namaste everyone. And thank you. Many people have been sending me messages by DM. So many people have been sending emails to devdutt.com and I have made a list of some of the questions you have asked. So I'll try my best to answer. So kai prashna mere paas aaye hain aur main unko dekh raha hoon aur samajh raha hoon aur प्लीज़ क्वेश्चंस जो हैं आप प्लीज़ जैन मिथोलॉजी के ऊपर ही फोकस कीजिए. कुछ लोग मुझे बाकी क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं. आई विल डू दैट आफ्टर ये 7 days के बाद. अभी इन पर्यूषण के टाइम में लेट्स फोकस ऑन जैनिज्म, रिलीजन विच हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस इन इंडिया बट सम हाउ इज ऑलवेज ओवरलुक्ड एंड आई फील वेरी बैड अबाउट इट. एंड दिस इज माई अटेम्प्ट टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ग्रेट रिलीजन, इट्स आइडियाज, स्टोरीज, सिम्बल्स, रिचुअल्स, इट्स मेनी वेरिएशंस, नॉर्थ इंडिया के वेरिएशन, साउथ इंडिया के वेरिएशंस, वेस्ट इंडिया के वेरिएशंस, उसके हिस्ट्री के बारे में, इट्स कनेक्शन विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आर्ट, हिस्ट्री, मिथोलॉजी, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, यू नो द कन्नड़ा लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, प्राकृत लिटरेचर, कितनी कितनी किताबें लिखी गई हैं इसके बारे में, सो मच आर्ट वर्क हैज़ बीन क्रिएटेड. सो वी शैल डिस्कस सम ऑफ दीज. सम आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, कुछ बातें मैंने बचा चुका हूँ, बट टुडे आई वांट टू डिस्कस सम मोर आइडियाज. एवरी डे देर इज सो मच टू डिस्कस एंड आई एम ग्लैड द पीपल आर फॉरवर्डिंग दीज वीडियोज, शेयरिंग दीज वीडियोज. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दोज यंग मैन एंड वेमेन हु आर फोटोग्राफिंग जैन मंदिर. कई जैन मंदिर हैं, कई जैन साइट्स हैं. इंस्टाग्राम में आई एम सो हैप्पी टू सी सम वेरी गुड वर्क डन ऑन वेरियस जैन टेम्पल्स, डन विद ड्रोन शॉट्स, कैमरा वर्क. बहुत अच्छा काम लोग कर रहे हैं. सॉरी आई कांट रिमेंबर ऑल द नेम्स इमीडिएटली. नेक्स्ट टाइम आई मे बी आई मेक अ लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स एंड वी विल डिस्कस. आई विल वेट टिल अनदर 1 or 2 minutes एंड देन वी विल डिस्कस, स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन. आज का जो कॉन्वर्सेशन है उससे शुरू करेंगे. आई होप यू कैन हियर मी क्लियरली. आप जरूर उसे जस्ट थम्स अप दे दीजिए. हाँ, तो मैं लिखने वाला हूँ. सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर स्टिल कमिंग. आई कैन सी द क्वेश्चंस. आई नो दैट मैं कमेंट्स अलाउ नहीं करता बिकॉज यू नो आजकल के लोग बहुत ही विचित्र लोग हैं. ज्ञान के जगह पे वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव कमेंट्स लाते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है. यू नो देयर इज अ वेरी फेमस जैन स्टोरी कि एक जैन मुनि अपने आचार्य थे, वो अपने यू नो श्रमणों के साथ एक नगर गए थे. तो वहां उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, तुम भिक्षा लेने जा रहे हो गोचर, जब तुम गोचर के लिए जा रहे हो, दैट इज गोचर इज द वर्ड इज यूज, गोचर इज चरनाट पास्चर, बट इट वॉज बेसिकली वेन यू कलेक्टिंग फूड. और हमेशा वही फूड कलेक्ट करना उस घर में जहां पे आपके लिए स्पेशल नहीं बनाया हुआ हो. अगर स्पेशल बनाया हुआ है सो प्लीज अवॉइड दैट फूड. यू शुड ईट वॉट एवर हैज बीन कुक्ड इन द फैमिली, उसे आप एक्सेप्ट करो. और अगर कोई आपके साथ वाद विवाद करे तो उनसे बात मत करो. आई लाइक दिस बिकॉज ये मेरा भी फिलोसफी है कि जो वाद विवाद लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए. लेकिन उनके स्टूडेंट्स यंग थे, दे वॉन्टेड टू प्रूव कि देखो जैनिज्म में इतने पावर्स है, और वो आर्ग्यू करने लगे. और जब आर्ग्यू करने लगे तो राजा का एक मंत्री था जिसको बहुत ही गुस्सा आया एंड ही गॉट सो एंग्री कि वो बोला कि मैं इनको एक सबक सिखाता हूं. और वो राजा के पास जाता है और कहता है कि इनको नगर से निकाल दो, इनको बोलो ये नगर से जाने के लिए. और वो आचार्य जी बोले, देखो चातुर्मास है, हम कैसे जाएं, चातुर्मास में हम एक ही जगह में रहते हैं, आप हमारे लिए यू नो सो बट यू नो बिकॉज वो मंत्री बहुत हट्टी था, राजा भी उसने राजा के कान भरे थे जैसे मंत्री ने, जैसे मंथरा ने कई कई के कान भरे थे, उसने भर दिया. तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम श्रमण हो, तुम यहां से चले जाओ. एंड देव गुरु डिडंट नो व्हाट टू डू. ही सेड आई टोल्ड वी शुड नॉट हैव, ये वाद विवाद से ऐसे ही होता है, ईगो हर्ट हो जाता है. ईगो हर्ट हो जाता है तो पीपल स्टार्ट डूइंग स्टूपिड थिंग्स. अभी देखो कर्म उसका ही खराब होने वाला है हमारे वजह से. तो उस समय एक स्टूडेंट होता है, वो कहता है कि मैं कुछ करता हूं, मैं जाके राजा से पूछता हूं कि मुझे केवल इतनी ही जमीन दे दैट आई कैन, आई विल टेक थ्री स्टेप
राजा ने कहा बस उतना ही चाहिए, ठीक है आई गिव यू 3 steps ऑफ लैंड एंड देन दिस. वो अपने थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, अपोलोजाइज अगर पावर बट दिस आई कैन नॉट, इज नॉट इन माय कंट्रोल बट. तो एनीवे जो सिद्ध, आई होप यू कैन हियर सी मी, आई विल हो रहा है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट बट वी विल कंटिन्यू अगेन. तो जब ये ऋषि होते जो श्रमण होते हैं वही इंक्रीजेस हिज साइज एंड इन वन स्टेप टेक्स दिस वास्ट लैंड वेर ऑल द श्रमण्स कैन टेक रेस्ट. तो मतलब वो जायंट साइज बन जाता है. नाउ दिस स्टोरी साउंड्स वेरी फेमिलियर टू द हिंदूज बिकॉज इट विल साउंड लाइक वामन अवतार की स्टोरी. और इस श्रमण का नाम था विष्णु कुमार एंड पीपल से दैट दिस इज सिमिलर टू द हिंदू स्टोरी. अभी सच है झूठ है वी डोंट नो बट द स्टोरी इज वेरी पावरफुल. फॉर मी द पावर ऑफ द स्टोरी इज द फैक्ट दैट विवाद से हम अहंकार को ठेस पहुंचाते हैं. विवाद इज अ फॉर्म ऑफ हिंसा. और विवाद आजकल टीवी चैनल में वो विवाद से वो रेटिंग्स बढ़ाते हैं, ये हिंसा है, साइकोलॉजिकल हिंसा. हम हमेशा फिजिकल हिंसा के बारे में बात करते हैं, साइकोलॉजी. किसी को ठेस पहुंचाने से सुख नहीं मिलता, शांति नहीं होती, अहिंसा से शांति होती है. एंड आई फील द स्टोरी ऑफ द आचार्य सिंह कि देखो विवाद मत करो इनसे, इनका अहंकार इतना बड़ा है वो सुनने को तैयार नहीं है, नए नए विचार, नए नए आइडियाज. एंड आई थिंक जैनिज्म इज लाइक दैट, इट इज फिल्ड विद न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एंड आई फाइंड दैट इंटरेस्टिंग. अभी सुशील जैन, जेंटलमैन कॉल्ड सुशील जैन, रोट मी एन ईमेल एंड ही सेड देवदत्त कैन यू टॉक अबाउट द वेरियस हाइट्स ऑफ द तीर्थंकर. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में कि द तीर्थंकर्स हाइट इज वेरी वेरी, ही इज वेरी टॉल, ही लिव्स फॉर मेनी ईयर्स एंड ही लिव्ड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. 10 raised to the power of 224 अगर करे तो बोलते इतने समय के पहले द तीर्थंकर वॉज अलाइव. सच दीज काइंड ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट. सो लेट मी कोट यू फ्रॉम द बुक, ये मेजरमेंट किताब में, द जैन्स केम अप विद द आइडिया ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स निगोड थ्रू लॉजिक इवन बिफोर इट वॉज डिस्कवर्ड बाई माइक्रोस्कोप्स. तो द आइडिया ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट कम्स टू अस फ्रॉम द जैन ट्रेडिशन. द जैन्स ऑल्सो बिलीव्ड इन वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन्स. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट तीर्थंकर वॉज बॉर्न 10 raised to the power of 224 ईयर्स अगो एंड ही लिव्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 raised to the power of 18. अभी ये ऐसे बिग बिग नंबर्स आर यूज इन जैनिज्म. नाउ वी मस्ट, इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी. अभी हिस्ट्री वैज्ञानिक सच होता है और मिथोलॉजी विश्वास वाला सच होता है. अभी जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री वैज्ञानिक सच होता है, यानी कि यहां पर हमेशा शंका होती है और शंका को मैनेज करने के लिए हमें प्रमाण एविडेंस देना पड़ता है. और जब हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. उसके बाद एपिग्राफिक एविडेंस यानी कि पांडुलिपि, जो शिला लिपि जो होता है उसके ऊपर वैल्यू दिया जाता है. उसके बाद टेक्स्ट्स को वैल्यू दिया जाता है. पहले जमाने में टेक्स्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था लेकिन आजकल पांडु आर्कियोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. वो है हिस्ट्री. माइथोलॉजी में हम कहानी सुनते हैं और कहानी से ये देखते हैं कि लोगों का विश्वास क्या था अपने धर्मों के बारे में. सो हिस्टोरिकली हमको पता है कि द ओल्डेस्ट जैन इमेजरी दैट वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट अबाउट मथुरा से आता है 2000 साल पहले, कंकाली टिलापे. इनफैक्ट वेरी इंटरेस्टिंगली द जैन कार्विंग्स शो लॉट ऑफ ग्रीक आर्ट लाइक सेंटोर्स, बर्ड्स, पीपल फ्लाइंग विद विंग्स, देयर आर स्पेशल क्रीचर्स विद विंग्स, देयर आर स्पेशल क्रीचर्स लाइक सेंटोर्स. और वो आ रहे हैं एक स्तूपा के पास. अभी जैनों में स्तूपा नहीं होता है, बुद्धिस्ट में स्तूपा होता है, बट स्कॉलर्स बिलीव कि पहले जमाने में देयर वर स्तूपा लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल्सो बिल्ट बाई जैन. वो समवर्षण दिखाने के लिए स्तूपा बनाते थे और ऊपर चतुर्मुख मूर्ति रखते थे. आज्ञापट वर यूज, देयर वर दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स. ये 2000 साल पहले. सो वी आर 100% श्योर दैट जैनिज्म एग्जिस्टेड 2000 इयर्स अगो एज पर एज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज कंसर्न्ड. 1500 साल पहले हमको कल्पसूत्र मिलता है. कल्पसूत्र में वी हैव दी मिथोलॉजिकल स्टोरीज अबाउट द वासुदेव्स, प्रतिवासुदेव्स, फिर चक्रवर्ती, तीर्थंकर, उनके बारे में सब डिटेल मिलता है. बुद्धिस्ट लिटरेचर विच इज 2500, वहां पे देर इज रेफरेंसेज टू महावीर एंड देर आर रेफरेंसेज इन महावीर लिटरेचर
टू पीपल हु लिव्ड बिफोर हिम, महावीर सेज कि वर्धमान महावीर कहते हैं कि मैं 24वां तीर्थंकर, बट मेरे जो पूर्वज माय पेरेंट्स यूज्ड टू रिस्पेक्ट अ गाय कॉल्ड पास, मतलब पार्श्वनाथ. तो इसका सब इंफॉर्मेशन हमें है. सो वी आर फेयरली कॉन्फिडेंट दैट जैनिज्म एग्जिस्टेड 2,500 ईयर्स अगो इन मथुरा. देयर वाज 2,000 ईयर्स अगो देयर इमेजेस ऑफ द तीर्थंकर जो आज तक मिले जाते हैं. अर्लीस्ट टेक्स्ट इज कल्पसूत्र रिटन अबाउट 1500 ईयर्स अगो. ये हुआ हिस्ट्री. माइथोलॉजी इन सबको नहीं देखता है. जब हम कल्पसूत्र पढ़ते हैं तो वह समय को बहुत अलग तरीके से देखते हैं. टाइम को अलग तरीके से देखा जाता है, स्पेस को अलग तरीके से देखा जाता है. ये विश्वास वाला सच है कि अलग दुनिया है. यहां पे समय को एक सांप के जैसे देखा जाता है. सो नाउ इफ यू लुक अबाव मेरा फिंगर, देखिए जहां पे मैंने फिंगर डाला है वहां पे आपको एक सांप जैसे दिखेगा. यू विल सी अ स्नेक. सो द जैन सेड टाइम मूव्स लाइक अ सर्पेंट व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. गुड टाइम्स को सुषमा कहते हैं और बैड टाइम्स को दुषमा कहते हैं. When things are getting better, उसको हम उत्तसर्पिणी कहेंगे. Then things are getting worse, हम उसे अवसर्पिणी कहेंगे. And time goes through cycle. अभी देखिए, Hindus also believe in a cyclical version, but Hindus talk about प्रलय. लेकिन Jains do not talk about प्रलय. वो कहते हैं कि things get better, things get worse, things get better, things get worse. और बहुत ही interestingly वो आरा में divide करते हैं, divide it into times. So things get better होता है, फिर धीरे धीरे सब gradually change होता रहता है. So there is सुषमा, very good period. Then there is Sushama, not so good period. Then there's Sushama, Dushama. Things have started getting bad. Phir dhire dhire Dushama, Sushama. So more bad. Uske baad Dushama. So there's gradual shift ho raha hai. और सबका ड्यूरेशन एक जैसा नहीं होता है. द गुड टाइम्स आर लॉन्गर, द बैड टाइम्स आर शॉर्टर. तो ये देखिए कैसे टाइम को विजुअलाइज किया गया है. एंड अलग अलग टाइम में व्हेन द दुषमा स्टार्ट्स द तीर्थंकर्स अपीयर. और ये दिखाया जाता है कि जैसे समय का द टाइम स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, इन द सेम वे उनका लाइफ स्पैन ऑल्सो रिड्यूसेस. And their height also comes down. So the oldest, the first Tirthankara lives the longest and has the biggest height. And the last Tirthankara, Vardhaman Mahavira, lived for 100 years and he was about 6 feet, or some people say 7 feet tall. So this, the numbers don't matter. Ye number ke upar vaad vivaad mat kijiye. Samajhiye concept kya hai ki samay ke saath sab chota chota hota hai. Logon ki soch choti ho jati hai. It is not शरीर, वो मन के बारे में बात कर रहे हैं. लोगों की सोच छोटी हो जाती है, आयु छोटी हो जाती है, इसलिए एंजाइटी लेवल्स बढ़ने लगता है कि अरे मैं केवल 100 साल जीने वाला हूं, मैं केवल 50 साल जीने वाला हूं. व्हाइल लाइफ सीम्ड लाइक यू वर इमॉर्टल इन द अर्ली डेज. तो समय के साथ चीजें बदलने लगती है. एंड दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट. इसे लिटरली नहीं लेना चाहिए. मिथोलॉजिकल ट्रूथ्स आर नॉट टू बी टेकन लिटरली. अभी जो हिंदू होंगे तो वो बोलेंगे कि राम वॉज अ हिस्टोरिकल फिगर. तो मैं हमेशा पूछता हूं कि देखो, एज पर जैन ट्रेडिशन पद्मा वॉज ऑल्सो राम. और उनके जमाने में देयर वॉज अ तीर्थंकर कॉल्ड मुनि सुव्रत. उनका जो सिंबल था कछुए का सिंबल था, उनके बारे में आपको क्या पता है? एंड द हिंदूज हैव नो आंसर. और आई विल से देखो, कृष्ण के समय, राम के बाद कृष्ण आए थे. कृष्ण की स्टोरी इज फाउंड इन द्वारका. वहां पे हरिवंश होता है. वहां पे नेमीनाथ की कहानी आपको पता है. नेमीनाथ जिसके विवाह के समय लोग पशु बलि करने जा रहे थे, उस पशु बलि में पशुओं का चित्कार सुनकर नेमीनाथ ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता, और वो श्रवण बन जाते हैं. He adopts the Jain path. इसके बारे में Hindus don't know. So I said, now देखिए, while you are so busy talking about Ramayana and Mahabharat, why don't you know about Muni Suvrat? Why do you not know about Neminath? बुद्ध के बारे में बात करते समय हमें वर्धमान महावीर जी के बारे में क्यों नहीं पता है? Why do we know about Parshvanath? जब हम हरप्पा की बात करते हैं तो why are we not talking about ऋषभदेव जी, अजीत नाथ जी, श्रेयंस नाथ जी? So many things to learn. अभी वो प्रमाण है नहीं है, वो विश्वास वाला सच है, वो भारत का सच है. एंड वी हैव टू लर्न कि ये इतने अलग तरीके से समय को देखने का आइडिया कहां से आया. व्हाई डू दे इमेजिन हाउ पीपल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड शॉर्टर. पीपल आर लिविंग शॉर्ट लाइव्स, शॉर्ट हाइट, बिकॉज समय, ग्रेविटी इज चेंजिंग. इनफैक्ट देयर इज दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि अर्ली, इन द अर्ली डेज, मनु, जब यू नो द मनु कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में मनुस्मृति है. देयर इज अ मनु कॉन्सेप्ट और कुलाकार कॉन्सेप्ट इन जैनिज्म.
एंड इट टॉक्स अबाउट पहले जमाने में पीपल डिडंट हैव सेक्सुअल रिलेशंस, मेन एंड वुमेन वर बॉर्न लाइक ब्रदर एंड सिस्टर्स, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ युगलिक कम्स, टू पीपल कमिंग लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, दे वुड लिव हैप्पीली, अपने आप को कंपेनियनशिप देते थे, और एक दिन उनके फ्रॉम द वुमन्स बॉडी टू मोर ट्विन्स वुड अपियर एंड दीज टू विल गो टू स्लीप एज इफ दे आर डेड, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड एग्जिस्टेड. देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शुअल रिलेशनशिप्स, देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ वुमन बिकमिंग प्रेग्नेंट, देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, देर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसेंटा, नाभि भी नहीं होता था लोगों को, क्योंकि दे वर जस्ट बॉर्न मिरेक्युलसली. अभी ये कॉन्सेप्ट था, और धीरे धीरे करके समय जब बदलने लगता है, अवसर्पिणी के तरफ जाता है, दुष्यमा के तरफ जाता है, देन ह्यूमन बींग स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हंगर, भूख लगने लगती है, फिर उन्हें भय लगने लगता है, फिर दे स्टार्ट कटिंग डाउन ट्रीज, दे स्टार्ट डूइंग फार्मिंग, देन दे स्टार्ट डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, दे स्टार्ट यूजिंग वेपन्स. यानी कि मनु उन्हें ये सब सिखाते हैं कि कैसे मैनेज करना था ये सोसाइटी में, कैसे जीना है. उनको भय लगता है, इसलिए वो अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हैं, वो टेरिटरीज बनाने लगते हैं, बाउंड्रीज बनाने लगते हैं. सो देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द 14 मनुज क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड. अभी ये कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में नहीं है. एंड उसके बाद देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा इन द जैन यूनिवर्स, बट देयर इज ऋषभदेव हु गिव 64 कला टू विमेन एंड 72 कला टू मेन. एंड देन अमंगस्ट हिज डॉटर्स आर द इज ब्राह्मी हु इंट्रोड्यूसेस राइटिंग, एंड देन देयर इज सुंदरी हु इज एसोसिएटेड विद नंबर्स. सो यू नो, दिस अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड, एंड वी शुड लर्न दीज आइडियाज. And for me, that's great fun about learning. See, mythologically, how do you see this is very different from historically. अब अगर आप मुझे mythologically Jainism बनो, मैं कहूँगा अनादि है, अनंत है. लेकिन अगर historian को पूछोगे, वो कहेगा देखो इसका एक समय होता है. Jainism, Buddhism, Upanishad, ये 2500 years में शुरू हुआ, और 2500 years ago पूरी दुनिया में एक बड़ा revolution हुआ. लोग मर्चेंट क्लास बहुत पावरफुल हो गया, ट्रेडिंग बहुत होने लगा, और अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड द इन्वेंशन ऑफ करेंसी. करेंसी स्टार्ट्स बीइंग यूज्ड, यानी कि काशापणा की शुरुआत होती है. व्हाट इज नाउ करेंसी का मतलब क्या है, कि हर चीज को आप रुपए के हिसाब से देख सकते हो, कि ये 10 रुपया है, ये 20 रुपया है, 40 रुपया. तो हर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी सामग्री हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं दुनिया में, हम सबको एक मूल्य दे सकते हैं. वी कैन गिव इट अ वैल्यू. सो नाउ एवरीबडी कैन बी रिड्यूस्ड टू अ वैल्यू, दैट इज अ कॉमन डिनोमिनेटर. वैसे लोगों ने कहा कि अगर हम हर चीज को वैल्यू देते हैं, तो हर जीव का वैल्यू क्या है. वहां से शायद आत्मा का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, कि हर आदमी का एक आत्मा होता है, और वहां के शरीर के हिसाब से उसको वैल्यू दिया जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट आया नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल्सो इन ग्रीस, ऑल्सो इन चाइना. नए नए विचार आने लगे, और इनमें से एक विचार जैनिज्म था. बिहार साइड में आता है, मगध साइड में आता है, जहां पे नेमीनाथ का नाम जाता है, नेमी के नाम आता है, जनक के बारे में हम सुनते हैं, मांधाता के बारे में सुनते हैं. सो ये स्टोरीज आते हैं हमें फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. तो हिस्टोरिकली अगर हम जैनिज्म पढ़े और माइथोलॉजिकली जैनिज्म पढ़े, हमें दो अलग चीजें मिलती है. विज्ञान वाला सच प्रमाण के ऊपर बेस्ड है, और यहां पे हम हिस्ट्री देखते हैं. तो मैं हरप्पा के बारे में बात करूंगा, मौर्यन के बारे में बात करूंगा, चाणक्य के बारे में बात करूंगा, सोलंकी राजाओं के बारे में बात करूंगा, चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बारे में बात करूंगा. वी विल टॉक अबाउट द जैन्स इन तमिलनाडु, जैन्स इन कर्नाटका, जैन्स इन महाराष्ट्र, जैन्स इन मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी ज्योग्राफी को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, जैन्स ऑफ मथुरा. हम ये बात करेंगे कि अयोध्या की जब बात करते हैं तो कितने इक्ष्वाकुर, जब हम बात करते हैं अभी मिथोलॉजी जब आता है तो इक्ष्वाकु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इक्ष्वाकु राम, श्री राम के बारे में हिंदू बात करते हैं, लेकिन इक्ष्वाकु, मेनी ऑफ द तीर्थंकर आर बॉर्न इन इक्ष्वाकु फैमिली. इक्ष मीन्स शुगर केन. इंडिया वॉज द होम ऑफ शुगर केन. इससे शुगर निकलता था. इंडिया हैड द शुगर केन. कोई भी दुनिया में शुगर केन, वी यूज टू एक्सपोर्ट. अभी शुगर केन को एक्सपोर्ट
कैसे करते थे, यू हैड टू मेक टर्न शुगर केन जूस इनटू शुगर और जैगरी, जैगरी बनाना पड़ता था. ओनली व्हेन यू मेक इट जैगरी कैन यू एक्सपोर्ट इट. सो इंडिया बिकेम द लैंड फ्रॉम वेयर इक्षु जाता था. एंड देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी कि जब ऋषभ देव जी अपना उपवास तोड़ते हैं तो एक राजा उन्हें इक्षु जूस देता है. और मेरा ये थीसिस, वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इट, जब हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं, अक्षय तृतीया अकॉर्डिंग टू जैन्स वाज द डे ऑन विच ऋषभ देव जी को एक राजा ने गन्ने का जूस यानी कि इक्षु का जूस दिया था. हिंदूस विल से इस दिन परशुराम जी ने गायों को छुड़ाया था, बट फॉर मी इक्षु और अक्षय वर्ड साथ में आता है. आई बिलीव अक्षय तृतीया कम्स फ्रॉम इक्षु तृतीया. दिस इज माई बिलीफ. आई मीन People can argue, but बहुत similar sounding name है. But who knows? ये just एक theory है. It's not proven, but it is a thought to give. कि इक्षु क्या जूस देने से अक्षय पात्र सम, इक्षु अक्षय. I mean this is pure thesis. No, there is no evidence over here. But मुझे अच्छा लगा ये सोचकर कि इक्षु का रिलेशनशिप ये मिठास की. और यही इक्ष्वाकु में बौद्ध जन्म के लोग कहेंगे कि बुद्ध इक्ष्वाकु जन्म वंश में जन्म लिया था. हिंदू कहेंगे कि श्री राम इक्ष्वाकु जन्म फैमिली से उनका जन्म हुआ है. और जैन कहेंगे कि हमारे कई तीर्थंकर इक्ष्वाकु से आए हुए हैं. तो दिस आइडिया ऑफ चंद्रवंश सूर्यवंश इक्ष्वाकु एंड देन हरिवंश, ये सब जो आइडियाज हैं दे आर कॉमन अक्रॉस हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म. बट ए वेरी बिग आइडिया विच कम्स इज द आइडिया ऑफ तीर्थंकर. ये शब्द मुझे बहुत पसंद है. हम हमेशा कहेंगे हिंदुओं में भी कि तीर्थ यात्रा करना है तो वी शुड, तीर्थ को आजकल हम पिलग्रिम स्पॉट कहते हैं और पिलग्रिम स्पॉट में हमेशा पानी होता है, वाटर. तो हम पानी को भी तीर्थ कहते हैं. बट तीर्थ का मीनिंग है, देखिए पहले जमाने में जो श्रमण होते थे वो कभी कुछ आर्टिफिशियल चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे. दे विल नॉट यूज एनीथिंग, इसलिए कपड़ा दे विल नॉट एक्सेप्ट, दे विल नॉट वेयर, they will not accept fabric. Fabric इसलिए वो श्रमण, वो दिगंबर बन गए. Then they would say we will not use vessels, वो पात्र इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो केवल हाथ में जो खाना मिलेगा उसे खाएंगे. ये especially in दिगंबर tradition still followed. श्वेतांबर traditions have simplified it for the modern times as time समय के साथ जैसे बदलता है चीजें. But the, when you think of it logically, बहुत logically कि मुझे संस्कृति से कुछ नहीं चाहिए, यानी कि जो पेड़ से जो फल नीचे गिरता है मैं उसी को खाऊंगा. जब आई विल फास्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मैं संतोष में रहूंगा. एंड ओनली द फ्रूट विच फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, दैट इज द फ्रूट विल आई विल पिक अप एंड आई विल ईट दैट फ्रूट. एंड देन आई विल नॉट यूज वेसल्स, आई विल यूज पात्र. इसलिए मेरे हाथ के हथेली में जो मिलेगा मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, शरीर को नहीं ढकूंगा. दिस कॉन्सेप्ट केम इन. इसलिए महावीर जी की बहुत ही फेमस स्टोरी है कि व्हेन ही वाज वॉकिंग, ही वाज फर्स्ट वेयरिंग वस्त्र पहन के जा रहे थे. जब वो चल रहे थे तो एक पेड़, देयर वाज अ थॉर्नी बुश जहां पे वो कपड़ा अटक गया. एंड ही आस्क्ड कि अगर मेरे पास अपरिग्रह है तो मैं वो कपड़े को खींचूंगा नहीं, आई विल नॉट पुल दिस क्लॉथ, नहीं तो मैं अटैच्ड हूं, आई एम डिटैच्ड, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है. सो ही केप्ट वॉकिंग और वो वस्त्र उनके शरीर से निकल गया. ये वन स्टोरी है टू एक्सप्लेन व्हाई The Jain Tirthankaras are Digambar. Digambar यानी कि कपड़े नहीं पहनते हैं. They don't wear clothes. So अभी ये सब छोड़ के तो इसका मतलब है when they would, let's say they're walking, walking, walking in the forest, वो shelter के नीचे नहीं रुकेंगे. They will never sit under a house. तो कहाँ, अगर बारिश होती है तो वो गुफा के पास जाते थे, गुफा में के पास खड़े होते थे, वहां पे बैठते थे. Because in the rainy season, walking was dangerous. You could flood आ गया तो खींच जाएगा आपको. And then you come to a river. अगर आप नदी के पास आओ, नदी को कैसे क्रॉस करोगे? तो ब्रिज में नहीं चलेंगे, बिकॉज ब्रिज इज आर्टिफिशियल. बोट के ऊपर नहीं बैठेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल, मैन मेड. सो दिस इज, हम तीर्थ ढूंढेंगे, शैलो पार्ट ऑफ द रिवर विच कनेक्ट्स. अब ये देखिए पिक्चर, दिस इज अ तीर्थ एंड यू सी द तीर्थंकर वॉकिंग अक्रॉस. तीर्थ को मैं क्रॉस कर रहा हूं, नेचुरल, इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दी ओल्ड ट्रेडिशंस. तो ये निग्रंथ वर्ड यूज किया जाता था, जहां पे गांठ नहीं होगा. गांठ का मतलब है कर्म. तो गांठ को, इसलिए शादी के समय हम गांठ बांधते हैं और जब शादी टूटती है तो गांठ को निकालते हैं. और योग में कहेंगे हम चित्त वृद्धि निरोध, हमारे दिमाग के जितने भी गांठ है उसे निकाल
बना लिए. जैनिज्म इज अबाउट गांठ नहीं होने चाहिए, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. सो दे विल कीप अवे फ्रॉम ऑल रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इवन बॉडी रिलेशनशिप्स की जो भूख, जो फूड दे विल नॉट कंज्यूम. सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 मोनेस्टिक आइडिया. इसलिए तीर्थंकर आइडिया आता है कितना सिंपल, कि आई विल क्रॉस द रिवर एट अ पॉइंट वेयर देर इज अ शैलो रिवर. यानी कि इतना शैलो रिवर है कि आई विल क्रॉस. और देखिए इंडिया में क्रॉसिंग द रिवर इज अ वेरी बिग स्टोरी, इसके ऊपर हम बहुत डिस्कस कर सकते हैं. ये पिक्चर से आपको तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. मैन मेड चीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लॉथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूटेंसिल यूटिलाइज नहीं करेंगे, ब्रिज यूटिलाइज नहीं करेंगे, बोट नहीं यूटिलाइज करेंगे, रथ यूटिलाइज नहीं करेंगे, पालकी इस्तेमाल नहीं करेंगे. हम चल के जाएंगे, जब भूख लगेगी हाथ में जो मिलेगा उसे करेंगे, और जो जमीन के ऊपर जो पेड़ से गिरा हुआ है उसे खाएंगे. सो दीज वर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट. बट ये क्यों कर रहे थे? Why are they doing this? They are doing this to make you think about consumption. You're thinking about consumption. Human beings consume, animals consumes, plant consume. जब हम insecure हो जाते हैं, we consume a lot, we consume large amounts of food. When you know we consume very very large amounts of food as we are insecure. आपको पता है कि जब आप nervous हो जाते हो तो you start eating potato chips, you start eating food, you keep eating a lot of food because you're insecure. जो संतोष में होता है, जो शांत होता है, जो secure होता है, वो कम खाता है. और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि body doesn't need so much of food. I don't need so much of property. I don't need so much of wealth. I don't need so much of power. Now he starts giving it up. जो श्रवण होता है वो गिव अप करता है, जो श्रवक होता है वो उसे मार्केट में इन्वेस्ट करने लगता है. He says, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट. तो बहुत सिंपल तरीके से रहेगा, बट वो होगा श्रीमंत, करोड़ों की जायदाद होगी, बट ही हैज नथिंग इन हिज नेम, ही जस्ट पुट्स इट बैक इन टू द बिजनेस एंड क्रिएट्स अ बिजनेस. तो श्रवण और श्रवक में बहुत फर्क होता है. श्रवण जो होता है वो बोलता है कि मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, और जो श्रवक होता है, श्रावक द वन हु लिसन्स, और श्रवण इज द वन हु वर्क्स हार्ड. So these ideas are emerging in India 2,500 years ago, and they're very powerful ideas. Buddhism says no, we cannot. Ye digambar hamare liye nahi suitable hai. Hinduism mein there are gurus like Dattatreya, jise Avadhuta Digambar kehte hain. So you do have these ideas talking to each other. Wo samvad kar rahe hain alag alag log, saath mein baith ke they are discussing what is the purpose of life, what is the meaning of consumption, what should we spend our entire lives consuming and acquisition of wealth, or is the purpose of life renunciation, detachment, satisfaction, contentment, generosity, resilience. So you see, these are the wonderful things, and there is a recognition ki dekho anekantvad, har aadmi ka karma alag hota hai, sab shraman nahi ban sakte, sab shravak nahi ban sakte, everybody cannot follow everything, koi bahut successful hota hai, koi itna nahi hota hai. कुछ लोगों को हेल्प चाहिए, वो डर लगता है उनको जिंदगी में, दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड, तो उनके लिए यक्ष और यक्षिणी बनाए गए. यक्ष और यक्षिणी जो आपको धन धान्य संपत्ति देंगे, सिक्योरिटी देंगे, आप उनकी पूजा करो, वो आपको हेल्प करेंगे, लेकिन वो आपको संसार में बांध देंगे. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, क्योंकि आप संसार में अटक गए हो. सो यू हैव फॉर एग्जाम्पल अ वेरी फेमस देवी कॉल्ड पद्मावती देवी, एस्पेशली अमंगस्ट द श्वेतांबर कम्युनिटीज एंड द पद्मावती देवी. एंड वॉट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द यक्षिणीज इज वो लोग, उनके हाथ में फल भी होगा लेकिन शस्त्र अस्त्र भी होंगे. सो इफ यू लुक एट पद्मावती देवीज इमेज, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. करना यू नो, हमेशा जो यक्षिणी होंगे उनके सर के ऊपर तीर्थंकर का मूर्ति होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि सर के ऊपर हमेशा तीर्थंकर की मूर्ति होगी. दिस यू फाइंड दिस इन कर्नाटका इवन टूडे. इवन टूडे लॉट ऑफ रिचुअल्स आर देयर जहां पे देवी देवता के रूप में लोग प्रोसेशंस में जाते हैं, और सर के ऊपर दे विल पुट अ तीर्थंकर की मूर्ति. एंड पद्मावती देवी इज असोसिएटेड पार्श्वनाथ, एंड उनके हाथ में अंकुश होता है, पाश होता है, पाश विच इज अ नूज, अंकुश होता है, सिंबल ऑफ डिसिप्लिन. इफ यू लुक एट एन अंकुश, हाउ इज एन अंकुश, जो भरतनाट्यम डांसर है वो अंकुश को ऐसे करेंगे, एक स्ट्रेट हैंड एंड देन दे विल डू अ सेकंड हैंड विच इज बेंट. जो स्ट्रेट हैंड होता है अंकुश, इट इज टू पुश यू, एंड ये जो कर्व्ड हैंड इज टू पुल यू बैक. इन लाइफ यू नीड सम मोटिवेशन टू पुश यू, बट यू ऑल्सो नीड डिसिप्लिन टू पुल यू बैक, एंड दैट इज वॉट यू सी इन पद्मावती देवी. शी इज सिटिंग ऑन अ लोटस फ्लावर, बट उनका वाहन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चिकन हेड, रूस्टर का हेड है, बट स्नेक. सो इट्स अ फैबुलस बीस्ट. दिस काइंड ऑफ
आपने अगर हैरी पॉटर देखा है और हैरी पॉटर में हम बेजिलिस्क की बात करते हैं तो ये जैन धर्म में दे हैव ऑलरेडी स्पोकन ऑफ सच क्रीचर्स. वी कैन सी दिस चिकन हेड एंड स्नेक बॉडी एंड एसोसिएटेड विद अ सर्पेंट. नाउ लोग बोलेंगे कि अगेन दीज आर मिथोलॉजिकल आइडियाज, ये विश्वास वाले सच है, इनका प्रमाण नहीं मिलेगा, इनमें शब्द प्रमाण, जो भी शब्द प्रमाण मिलता है. एंड नॉट ऑल जैन अग्री विद दिस. जो देरावासी है हु फॉलो द टेम्पल, जो मूर्ति पूजक है, दे हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. स्थानकवासीज हु डोंट वर्शिप इमेजेस, हु हैव रिजेक्टेड इमेज वर्शिप, दे हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. Within Jainism itself, there is Anekantavad, which is the magic of this. I think the greatest contribution of Jainism is the concept of Anekantavad, is something that I keep saying, because wo विवाद में नहीं जाते हैं. वी बिगैन टूडे सेशन बाय टॉकिंग अबाउट विवाद. और वो मुनि जिसको विवाद से एक मंत्री को इतना गुस्सा आया कि वो कहा कि आपको घर से निकाल दूंगा, ही स्टार्टेड फाइटिंग विद मंक्स जिनके पास कुछ नहीं होता है, हु डोंट हैव एनीथिंग, उनके साथ भी युद्ध करके उनको बोला कि इनको जमीन से निकाल दो, चातुर्मास में हम एक जगह पे रुकने नहीं देंगे. अपेरेंटली दिस इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग रक्षाबंधन डे, जिसे हम नारळी पूर्णिमा हिंदूज कहते हैं. इसलिए रक्षा कवच मिला था उस दिन, बिकॉज वन ऑफ द Jain Munis turned into this giant. Or normally magic and miracles are not appreciated in the Jain traditions, but you do have stories of Siddha Yantra, Mantra, ye sab baatein hum shayad kal karenge. I have not talked about the tantric side of Jainism. Tantra is there in Buddhism, Jainism, Hinduism. In Jainism it is the least form. Dakshina Marg ka tantra hota hai. Kuch logon mein it is like the Siddha Yantra and the stories. There are very beautiful stories about how it helps. Tomorrow I will focus more on the stories. I've spoken of Tirthankars, I've spoken about the Mahapurushas, Yaksha Yakshini ke baare mein, history geography ke baare mein. लेकिन कहानी मैंने ज्यादा नहीं बताई, तो लोगों ने कहा तो आई शुड टॉक अबाउट द मेनी स्टोरीज अबाउट वुमेन, स्टोरीज अबाउट वॉरियर्स, रीबर्थ की स्टोरीज, कई फैसिनेटिंग स्टोरीज आर देयर. मैंने कलक आचार्य की कहानी नहीं बताई है जो कल्पसूत्र के साथ जुड़ी हुई है. तो टुमारो इज द लास्ट एपिसोड, 7th एपिसोड, 4 बजे हम बात करेंगे. बट आई विल फोकस ऑन स्टोरीज एंड आई विल टेल यू स्टोरीज ऑफ रीबर्थ एंड आई विल टॉक अबाउट कोश द कॉर्टिजान, द स्टोरीज ऑफ मर्चेंट्स जिन्होंने टुंक बनाए हैं. देयर इज this the merchants who helped each other. Jain tradition is ki stories mein pehli baar hame promissory notes ki stories milte hain. Only from Gujarat we find stories of promissory notes. So tomorrow I think I'll focus only on stories before I conclude this series. Thank you very much for attending, and I'm glad. I hope you have enjoyed my session. If I made any mistakes, I apologize. And please share your comments, feedback, share this video, let people learn. Nothing is perfect in this world. Mera session bhi kuch perfect nahi hai, lekin kuch to gyan mila hoga. I hope it helps you, and it helps me when I'm talking about it. Thank you so much. Namaskar. See you tomorrow at 4 p.m.